हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ ना एक बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस, केचप, टोमेटो केचप, चीज स्लाइस, मुजरेला चीज और प्रोसेस चीज। ठीक है, उसके लिए मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलो हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है गाइज हमारा, वो है कि हमें ब्रेड स्लाइस लेना है और उसको अच्छे से वेल लेना है, ऐसे दबा दबा के। हम इसकी साइड रिमूव कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं करनी, मैं ऐसे इसको वेल लूंगी। ये पूरा दबा के करना है, वो अच्छे से हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट जो स्लाइस है, मैं जोर से ऐसे वेल लूंगी, थोड़ा दबा दबा के। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, तवे पे सेकने के लिए रख दूंगी। अभी मैं लूंगी सेकेंड वाला, इसको भी सेम वैसे ही रिपीट करना है। इसको भी मैं वेल लूंगी अच्छे से। ठीक है गाइस, देखिए अब इसको भी मैं तवे पे रख दूंगी सेकने के लिए। ये देखिए गाइस, ये मेरे सेक रहे हैं। इसको मैं क्रिस्पी और ब्राउन कर लूंगी अच्छे से, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए ये मैंने तवे से उतार लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए ऐसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये चीज स्लाइस। वाओ क्या ही टेस्ट आता है इसका, यम। गाइस वेट अ मोमेंट, निकाल रही हूँ, वो थोड़ी गर्मी है ना तो वो मेल्ट हो रहा है। तो देखिए मैंने जो चीज स्लाइस है वो अपने ब्रेड पे रख लिया है। अब इसके ऊपर मैं दूसरा रख दूंगी ऐसे, थोड़ा सा दबा देंगे। ठीक है, दबाने के बाद क्या करना है, हमें इस पे लगानी है केचप। तो अभी हम इस पे थोड़ी सी केचप लगा लेंगे, जितनी चाहिए उतनी लगाओ। पिज्जा पास्ता सॉस भी लगा सकते हैं, हमारे पास ये है तो हम यही लगाएंगे। कुछ भी डालो अपनी मर्जी है। ठीक है गाइस, अच्छे से लगा लेनी है। ये लगाने के बाद हम इस पे जो प्रोसेस्ड चीज है मेरे पास वो कद्दूकस कर लेंगे इसके ऊपर अच्छे से। क्या यम लगेगी ना, वाओ है ना, क्विक एंड इजी टाइम पास रेसिपी। सो आप भी इसको जरूर ट्राई करना, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। हम मैंने ये सुबह भी बनाई थी, ब्रेड बन थिन क्रस्ट पिज्जा, जिसमें मैंने अनियन और कॉर्न की स्टफिंग रखी थी, यम बने थे। उसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो आपकी मर्जी है, भर के डालना है, कम डालना है, कितना डालना है। ठीक है, अभी हम इसको फिर से पकने के लिए तवे पे डाल देंगे। और ऊपर से कर देंगे कवर। ये देखिए तवे पे चला गया है मेरा पिज्जा। तो ये देखिए हमारा झटपट जो हमने पिज्जा बनाया है सिंपल सा, वो अभी बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको नीचे उतारते हैं। देखिए वाओ, आप इसमें ओरिगैनो भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाले। देखो कितना यम लग रहा है देखने को। आप इस पे सॉस कुछ भी डाल के खा सकते हैं। ये देखिए कट करके, इसके पीसेस करके, या ऐसे सिंपल भी अच्छा लगता है। तो प्लीज ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, सिंपल है, क्विक है, झटपट बनने वाली है, 5 मिनट में बन जाती है। तो आप जरूर ट्राई करना, तो और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। So, bye bye guys. Thank you so much.